हृदय मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब तक यह धड़कता है, हमारी सांसें चलती हैं। यह बेहद नाजुक हिस्सा है और इसकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन आजकल दुनिया में हर दूसरा आदमी हृदय समस्याओं से पीड़ित है, हार्ट अटैक से ग्रसित हो रहा है। इससे संबंधित जानकारी होना जरूरी है और इसलिए आज हम बात करेंगे कैसे रखे ख्याल अपने हृदय का, अपने दिल का, और साथ ही जानेंगे क्यों आता है हार्ट अटैक। डॉक्टर प्रमोद मुंद्रा, जिन्होंने अपना MBBS MD नागपुर यूनिवर्सिटी से किया, DM कार्डियोलॉजी LTM मेडिकल कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से किया, 1996 से नागपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, और बड़े ही कुशलता से कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटनिंग, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, बलून माइट्रियल वेल्वोप्लास्टी, पेसमेकर इम्प्लांटेशन, ASD एंड PDA डिवाइस क्लोजर प्रोसीजर जैसे ट्रीटमेंट देते हैं। साथ ही डॉक्टर्स के एजुकेशन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी लेते हैं, और हाल ही में 50 बेडेड प्लैटिना हार्ट हॉस्पिटल नाम से बर्डी नागपुर में हॉस्पिटल शुरू किया। टेक केयर हेल्थ इज वेल्थ, इस कार्यक्रम में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमोद मुंद्रा, जो हमें बताएंगे किस तरह से रखें अपने दिल का ख्याल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि हार्ट अटैक क्यों आता है। देखिए, हार्ट अटैक जो रहता है, हार्ट की जो रक्त वाहिनियाँ रहती है, जिसे हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उसमें ब्लॉकेज या रुकावट के कारण आता है। हार्ट के जो मसल्स रहते हैं, उसको काम करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, और ये ब्लड हार्ट तक पहुंचाने का काम रक्त वाहिनियाँ करती है, जिसे हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ये कोरोनरी आर्टरीज हार्ट की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करती है और हार्ट को काम करने में मदद करती है। हार्ट की रक्तवाहिनी में जब रुकावट आने लगती है, उस समय शुरुआत में मरीज को तकलीफ होती है, जिसे हम अंजाइना कहते हैं। अच्छा। लेकिन जब ये रुकावट बढ़ के 100% हो जाती है, उस समय हार्ट अटैक आता है। हमारे पूरी बॉडी में हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसका जो वर्क है उसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी। हार्ट का जो वर्क होता है, वो इज पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारी बॉडी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसका काम हार्ट करता है। हम जब सांस लेते हैं, उस समय ऑक्सीजन जो अंदर जाता है, वो रेड ब्लड सेल्स बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो कलेक्ट करके लंग्स तक वापस लेके आते हैं, कि हम एक्सपिरेशन यानी श्वासोश्वास की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज सके। तो ये सब जो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम है, इसके लिए एक पंप की ज़रूरत है, और ये पंप हार्ट है। राइट साइड में जो ब्लड आता है, वो लंग्स में जाता है, लंग्स में ब्लड प्योरीफाई होता है, और ब्लड प्योरीफाई होके लेफ्ट हार्ट में आता है, जहाँ से वो बॉडी में सर्कुलेट होता है। अच्छा, तो पूरे ब्लड को सर्कुलेट करने का काम विद ऑक्सीजन ये हार्ट का काम करता है। सर, अगर मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे पता चले कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, या यूँ कहें कि सिम्टम्स क्या होते हैं हार्ट अटैक। देखिए, हार्ट के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसा हार्ट की रक्तवाहिनियों में रुकावट होके हार्ट अटैक आना, हार्ट के वॉल्स में खराबी होके आइदर चोकअप या लीकेजेस होना, या हार्ट की जो चमड़े, हार्ट के आजू बाजू की जो कवरिंग रहती है, जैसे पेरिकार्डियम कहते हैं, उसमें ब्लड या फ्लूइड कलेक्ट होना, हार्ट की मांसपेशियों में वीकनेस आना, जिसे हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। लेकिन और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होता है, ये एबनॉर्मल बीटिंग ऑफ हार्ट, अरिदमियाज जिसे कहते हैं। इसमें दोनों टाइप की हार्ट की बीटिंग एबनॉर्मलिटी होती है, हार्ट स्लो या फास्ट होना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक और पैरालिसिस, ये दो एक ही बीमारी के अलग अलग हिस्से हैं। अच्छा। जब खून की रक्तवाहिनी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें रुकावट आए, तो हार्ट अटैक आता है, और ब्रेन की रक्तवाहिनी में यदि रुकावट आए, तो पैरालिसिस होता है। यदि हम विश्व में देखेंगे, तो विश्व में करीब 40-45% मृत्यु हार्ट अटैक या पैरालिसिस के कारण होती है, और उसका मुख्य कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस एंड थ्रोम्बोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी रक्तवाहिनी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल जमा होना, और रक्तवाहिनी में जब ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो उसे हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और जब ये हार्ट में होती है, तो उसे हम उस समय हार्ट अटैक आता है। अच्छा, मेजर और माइनर हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है? मेजर और माइनर हार्ट अटैक में डिफरेंस है, एक्चुअली मेजर और माइनर हार्ट अटैक जो है, बहुत बार हम पेशेंट को बताने के लिए या कॉमन लैंग्वेज में बताने के लिए बोलते हैं, लेकिन यदि हम मेडिकल बुक्स खोलेंगे, तो मेडिकल बुक्स में मेजर और माइनर हार्ट अटैक नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, मेजर, लेकिन हार्ट अटैक की जो अर्ली स्टेज होती है,
प्री अटैक स्टेज, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, जिसमें हार्ट की रक्तवाहिनियों में ब्लड का फ्लो कम होने लगा है, कुछ इनडायरेक्ट सिग्नल्स मिलने लगे हैं कि हार्ट को ब्लड बराबर नहीं मिल रहा है, प्री अटैक स्टेज, उसे हम माइनर अटैक कहते हैं। और जिस समय हार्ट की रक्तवाहिनी में टोटल ब्लॉकेज आके हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाते हैं, उसे हम मेजर अटैक कहते हैं। यदि हम ECG के रूप में इसे देखेंगे तो माइनर अटैक में ST डिप्रेशन होता है और मेजर अटैक में ST एलिवेशन होता है। ST एक ECG का एक पार्ट होता है। ECG में जो PQR ST कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें का ST सेगमेंट एक पार्ट है, जिसमें जब ST सेगमेंट ऊपर जाते हैं तो मेजर हार्ट अटैक है और जब नीचे आते हैं तो माइनर हार्ट अटैक है। डेथ होने की पॉसिबिलिटी मेजर हार्ट अटैक में ज़्यादा होती है, माइनर अटैक में कम होती है। जैसे हमें अगर अटैक आता है या फिर हमें ये पता चले कि हार्ट अटैक के लक्षण हैं, तो हॉस्पिटल जाने से पहले क्या इलाज हमें करना चाहिए? उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या है ये मालूम होना। जी हाँ, बिल्कुल। तो हार्ट अटैक के जो लक्षण हैं वो छाती के बीच में भारीपन, दबाव, घुटन लगना, गले में घुटन लगना, बाएँ हाथ में दर्द होना, बिगर कारण के पसीना आना, बिगर कारण के चक्कर आना, बिगर कारण के दम लगना, ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। अधिकतर केसेस में जो शुरुआत होती है वो छाती के बीच के भाग में भारीपन, दबाव, घुटन सा महसूस होना, ऐसा लगना कि किसी ने मेरी छाती पे वजन रख दिया है या कोई मेरी छाती पे बैठ गया है, ये हार्ट अटैक के अर्ली लक्षण है। शुरुआत में ये तकलीफ जिस समय मेहनत करते रहते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, उस समय होती है, और जब बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ने लगती है और ब्लॉकेज 90% 95% के ऊपर पहुँचने लगते हैं तो कम मेहनत करते हुए तकलीफ होने लगती है, और जिस समय रुकावट 100% हो जाती है उस समय बैठे बैठे या बिगर काम किए हुए भी तकलीफ होती है। तो ये हार्ट अटैक के लक्षण है। मरीज को जिस समय इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं उस समय कुछ सावधानियां यदि हम बरतें तो हम मेजर हार्ट अटैक को बचा सकते हैं। यदि हम अर्ली स्टेज में हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट चालू कर दें तो मेजर हार्ट अटैक आने से बच सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि माइनर अटैक में हार्ट के मसल्स डैमेज नहीं होते, लेकिन मेजर अटैक में हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाते हैं। तो ये जो मसल्स में डैमेज हो रहा है उसके पहले हमको हार्ट अटैक को रिकॉग्नाइज करना है, उसके पहले हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट करना है, तभी हम हार्ट अटैक को बचा सकते हैं। जैसा कि आपको पूछ रही थी कि भाई इसके अर्ली चीज़ें हम घर में क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला तो मरीज के कपड़े थोड़े से ढीले कर दिए जाए, वहाँ पे कूलर, AC, फैन जो है वो चालू कर दें। अब मरीज के आजू बाजू में भीड़ ना की जाए, जिससे मरीज को खुली हवा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसके लंग्स तक, हार्ट तक पहुँच सके। उसके बाद में सॉर्बिट्रेट या आइसोडिल, इस टाइप की कुछ गोलियां आती है, ये नाइट्रेट ग्रुप की ड्रग्स होते हैं। नाइट्रेट ग्रुप की ड्रग का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो जो रक्तवाहिनियाँ रहती है उसको फैलाता है। तो सपोज ब्लॉकेज 99% ब्लॉकेज है, वेसल का डायमीटर 3 मिलीमीटर है, और यदि वो आर्टरी फैल के 3.5 मिलीमीटर हो गई तो नेचुरली इफेक्टिव ऑरिफाइस जहाँ से ब्लड जा रहा है वो बढ़ जाएगा। जो ब्लॉकेज 99% है वो कम होकर 90% हो गया और नीचे के मसल्स को ब्लड मिलने लगेगा, उससे मरीज को फ़ायदा मिलता है। दूसरी कुछ टैबलेट होती हैं जिसमें एस्प्रिन, जो हम कॉमन पेन किलर्स यूज़ करते हैं ना घर में, वो एस्प्रिन, N-acetyl salicylic acid जिसका कंटेंट होता है, ये टैबलेट यदि हम पानी में डाल के घोल लें और उसका पानी मरीज को पिला दें तो जो हार्ट के अंदर प्लेटलेट एक दूसरे से चिपक रहे हैं रक्तवाहिनियों में, वो चिपकना कम हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, जिससे मरीज आगे का ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। उसी तरीके की कुछ गोलियां जैसा क्लोपिडोग्रेल, प्रेसोग्रेल, ये भी यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन बहुत बार ये घर में अवेलेबल नहीं होती है और उसका यूज़ मेडिकल सुपरविजन में ही करना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा अपने मरीजों को सजेस्ट करता हूँ कि डिस्प्रिन या एस्प्रिन की गोलियां, सॉर्बिट्रेट या आइसोडिल की गोलियां अपने घर में रखनी चाहिए। अभी ये जो गोलियां हैं, ये गोलियां लेते समय कुछ सावधानी बरतना भी जरूरी है। जैसा सॉर्बिट्रेट की गोली लेने के बाद मरीज का BP कम हो सकता है, BP कम होने से चक्कर आ सकता है, बेहोशी आ सकती है, तो जिस समय हम सॉर्बिट्रेट की गोली देते हैं उस समय मरीज को बैठा कर या लेटा कर ही सॉर्बिट्रेट दिया जाए। खड़े होके या चलते समय सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे ना रखी जाए। जब ये गोली हम जीभ के नीचे रखते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत क्विकली 3 से 4 मिनट में उसका इफेक्ट चालू हो जाता है, 10 मिनट में उसका पीक इफेक्ट आ जाता है। तो दूसरा कि सॉर्बिट्रेट की गोली लेने के बाद मरीज को कम से कम 10 से 15 मिनट खड़ा नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना है। यदि हो सके कि सॉर्बिट्रेट की गोली देने के पहले यदि हम मरीज का ब्लड प्रेशर चेक कर सकें तो बहुत अच्छा है।
यदि मरीज का ब्लड प्रेशर चेक नहीं कर पाए तो भी कम से कम उससे इतना पूछ लेना कि भाई आपको चक्कर तो नहीं आ रहा है। यदि चक्कर आ रहा है तो एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि बीपी लो हुआ होगा। उस समय यदि हमने सॉर्बिट्रेट दे दी तो बीपी और लो हो सकता है। तो नाइट्रेट ग्रुप के ड्रग देने के पहले ये जरूर इंश्योर कर लें कि मरीज का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, और यदि ब्लड प्रेशर आपने नहीं देखा है तो कम से कम उसे चक्कर नहीं आ रहा है, उसी समय ये गोली दी जाए। दूसरी जो गोली मैंने बताई एस्पिरिन एन-एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड, इसको देने के पहले मरीज को बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम या पेट में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है ये पता कर लें, और यदि वो तकलीफ़ नहीं है तो डिस्प्रिन की गोली दी जा सकती है। ये दोनों भी सेफ गोलियां हैं, और हमने देखा है कि जो पेशेंट हॉस्पिटल आने के पहले ये गोली का सेवन करके आते हैं उन्हें मेजर अटैक आने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, और हमको एडवांस ट्रीटमेंट करने के लिए समय मिल जाता है, एक चांस मिल जाता है जी। दोस्तों चर्चा इसी तरह जारी रहेंगी, यहाँ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। ये जो ICCU है वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जैसा मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, पेसमेकर, वहाँ पे डॉक्टर ऑन ड्यूटी राउंड द क्लॉक अवेलेबल होना चाहिए। इस प्रकार के ICCU में आप पहुँचें। ICCU पहुँचने के बाद जब डॉक्टर ECG देख के आपको बताता है कि हार्ट अटैक है, और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सर, हार्ट अटैक आने के बाद जो सॉल्यूशंस है या जो ट्रीटमेंट है वो कौन कौन से हैं? हार्ट अटैक आने के बाद सबसे पहला जो चीज़ है कि उस मरीज को जल्दी से जल्दी ICCU पहुंचना चाहिए। अच्छा, ये जो ICCU है वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जैसा मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, पेसमेकर, वहाँ पे डॉक्टर ऑन ड्यूटी राउंड द क्लॉक अवेलेबल होना चाहिए। इस प्रकार के ICCU में आप पहुँचें। ICCU पहुँचने के बाद जब डॉक्टर ECG देख के आपको बताता है कि हार्ट अटैक है और उसके लिए एडवांस ट्रीटमेंट या बेसिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसको इग्नोर ना करें। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि मैं वहाँ चले तो गया लेकिन मुझे यार उस हॉस्पिटल पे या उस डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, तो भाई जहाँ विश्वास नहीं वहाँ जा ही मत। लेकिन जहाँ यदि आपको डॉक्टर बता रहा है कि हार्ट अटैक है तो उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट चालू होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए समय को गमाया नहीं जाए और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट चालू किया जाए। इसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, एक है थ्रोम्बोलिसिस या क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन। इसके अंदर में जो रक्त प्रवाह में रक्त की गुठली आने के कारण ब्लॉकेज आए हैं उसको गलाने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है। इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, इस टाइप के मेडिसिन हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो मेडिसिन है वो सस्ती मेडिसिन है और आसानी से अवेलेबल है, लेकिन इसमें एक साइड इफ़ेक्ट है कि इसमें सडन BP फॉल होने का रिस्क होता है, और इसमें सक्सेस रेट करीब 60-65% होता है। दूसरी जो मेडिसिन है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, इसे हम रैपिडली दे सकते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस देते समय करीब हमें एक घंटे का समय लगता है, जबकि टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर बोलस विद इन मिनट्स दिया जा सकता है, और उससे जो हमें फ़ायदा मिलता है वो जल्दी मिलता है। अच्छा। इसकी कीमत अधिक होती है लेकिन साइड इफ़ेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कंपेरेटिवली कम है। BP फॉल होने की जो ये है रिएक्शन वो कम है और इमीडिएट उसका इफेक्ट आता है, सक्सेस रेट करीब 80-85% के आसपास होता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी यानी हार्ट अटैक आने के बाद बाकी मेडिसिन देने, क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन देने के पहले इन्हें सीधा ICCU में शिफ्ट कार्डियक कैथ लैब में शिफ्ट किया जाए, और वहाँ पे उनका इमीडिएट एंजियोग्राफी करके जो ब्लॉकेज आ गए हैं उसे बलून से क्लियर करके ज़रूरत रहने पे वहाँ पे स्टेंट डाला जाए। ये प्रक्रिया कुछ लिमिटेड सेंटर्स में ही अवेलेबल होती है। जो डालते हैं उसमें वो डिसॉल्व होते हैं क्लॉट्स? नहीं, उसमें क्लॉट डिसॉल्व नहीं होते, वो क्लॉट को कॉम्प्रेस कर देता है। क्लॉट को कॉम्प्रेस कर क्लॉट वैसे ही रहते हैं, क्लॉट को कॉम्प्रेस करके आगे का फ्लो बढ़ा देता है। अच्छा, आगे का फ्लो बढ़ा देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। यदि हम नागपुर में देखेंगे तो लिमिटेड 5-7 हॉस्पिटल है जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और नागपुर के पूरे सेंट्रल इंडिया में सिर्फ ये 5-7 हॉस्पिटल हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये ट्रीटमेंट जितना जल्दी मिलेगा उतना फ़ायदा अधिक होगा। दोनों प्राइमरी एंजियोप्लास्टी और थ्रोम्बोलिसिस, जितना जल्दी ट्रीटमेंट चालू होगा उतना फ़ायदा मिलने की उम्मीद ज़्यादा होती है। थ्रोम्बोलिसिस में हम टैबलेट्स देते हैं, थ्रोम्बोलिसिस में इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में इमीडिएट एंजियोग्राफी करके ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर उसको बलून से ओपन किया जाता है, वहाँ पे स्टेंट डाला जाता है, जिससे फ़ायदा जल्दी होता है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी कम जगह अवेलेबल है। दूसरा, इसमें एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू थ्रोम्बोलिसिस, यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 2-3 times हो जाते हैं। तो इसके कारण बहुत बार मरीज उस फैसिलिटी का फ़ायदा
नहीं उठा पाता है। सबसे मेन क्वेश्चन कि हार्ट अटैक क्यों आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब क्वेश्चन है मैडम आपका। हार्ट अटैक आने के एक कारण नहीं है, जैसा आपने देखा होगा टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी हुआ, एड्स के वायरस है उससे एड्स हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का मिला जुला इफेक्ट है जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। इस मिले जुले इफेक्ट में जो चीज़ें हैं उससे जब एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि कुछ जोखिम घटक या रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन लोगों के शरीर में ये जोखिम घटक हैं उनको हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जिन लोगों के शरीर में ये जोखिम घटक या रिस्क फैक्टर्स नहीं है उनको प्रोबेबिलिटी कम है। अब ये जोखिम घटक क्या है, ये जोखिम घटक या रिस्क फैक्टर्स दो ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, एक रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर्स और एक नॉन रिवर्सिबल। एक है जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, रिवर्सिबल है, एक है जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय, नॉन रिवर्सिबल। नॉन रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर्स में एज, जैसा हमारा एज बढ़ता है हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। आज मैंने नई कार खरीदी, बाहर से अंदर से सब जगह से चकाचक है, 5 साल के बाद सिर्फ बाहर के ढांचे पे खरोच नहीं आती, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी डैमेज होता है। उसी तरह हमारी बढ़ती उम्र के साथ में हार्ट के जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उसमें एजिंग इफेक्ट आता है और उसके कारण कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होके ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं। दूसरा मेल सेक्स, आदमियों में हार्ट अटैक आने की अपेक्षा, हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी औरतों की अपेक्षा अधिक होती है। उसी तरह अनुवांशिकता, जिस परिवार में माँ बाप भाई बहन इनको हार्ट अटैक आया है उस परिवार में नेक्स्ट जनरेशन को हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये अपरिवर्तनीय कारण है, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है जी। कुछ परिवर्तनीय कारण है जिसमें डायबिटीज़ यानी हाई ब्लड शुगर, ब्लड हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर और डिसलिपिडेमिया यानी हाई कोलेस्ट्रॉल। ये तीन बीमारियाँ ऐसी हैं जो साइलेंटली आपकी बॉडी में एंट्री करती हैं। 85-90% केसेस में इसकी एंट्री के लक्षण हमें समझ में नहीं आते हैं, होने पे हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरी तीन चीज़ें हैं जिसमें मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, एक्सरसाइज कम करना या नहीं करना, तंबाकू सिगरेट का सेवन जी। ये तीन चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में है। मैं चाहूँगा तो मेरा वजन बढ़ेगा, मैं चाहूँगा तो बढ़ने नहीं दूंगा, मैं चाहूँगा तो शरीर से एक्टिव रहूँगा, नहीं चाहूँगा तो अब बैठ के काम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तंबाकू सिगरेट का सेवन ऐच्छिक है, यदि मैं चाहूँगा तो ही सिगरेट मेरे अंदर जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ये तीन चीज़ों की एंट्री पे आपका 100% कंट्रोल है। हार्ट अटैक से बचाव के लिए सबसे तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है, अपना वजन कंट्रोल में रखें, खाने पीने पे ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज व्यायाम करें, एक्टिव रहें, तंबाकू सिगरेट का सेवन ना करें, समय समय पे ब्लड प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रॉल इनका चेकअप करें, और यदि ये तीन में से कोई चीज़ आपके शरीर में है तो जरूरत के हिसाब से उसका इलाज करें जी। और आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है स्ट्रेस बिल्कुल, या तनाव। आज छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़ा आदमी स्ट्रेस में है, हर व्यक्ति किसी न किसी स्ट्रेस में है। वो केजी का बच्चा है तो बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता, उसके माँ बाप स्ट्रेस में है। बच्चे को एडमिशन मिल गया तो हर बच्चा पहला नहीं आ रहा है, उसके लिए माँ बाप स्ट्रेस में है। और इन्हीं से प्रॉब्लम्स की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम आजकल बिल्कुल धीरे ज्यादा बढ़ रही है। तो ये मानसिक तनाव को कंट्रोल में करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक से जो डेथ होती है उससे हम कैसे बचे? हार्ट अटैक से डेथ होने की यदि आप एक एनालिसिस देखेंगे तो प्रत्येक हार्ट अटैक में यदि 100 लोगों को हार्ट अटैक आता है तो 100 में से करीब 18 लोगों की मृत्यु होती है। ये 18 लोगों में से करीब 5-7 लोगों की मृत्यु हॉस्पिटल पहुंचने के पहले हो जाती है, जिसे हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। करीब 5-7 लोगों की मृत्यु हॉस्पिटल पहुंचने के बाद होती है, इन स्पाइट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट, सभी प्रकार का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करने के बाद भी 5-7 लोगों की मृत्यु होती है, और बचे हुए 5-7 लोगों की मृत्यु आने वाले 3 महीने में होती है। हार्ट अटैक से डेथ से बचने के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल है, अपस्ताय होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। एक चिड़िया ने खेत के दाने खा लिए उसके बाद मैंने बंदूक की गोली चलाना, उसमें फ़ायदा कम मिलेगा। चिड़िया के खेत के दाने खाने के पहले यदि मैं बंदूक की गोली चलाता हूँ तो मुझे फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। पहले प्रिकॉशन लेने हैं, तो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि भाई हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, यदि है तो इसका ट्रीटमेंट करें। हम अपने शरीर का वजन नियमित मात्रा में बना के रखें, रेगुलर व्यायाम करें,
तंबाकू सिगरेट का सेवन ना करें, जिससे हम अपने आप को डाइट अच्छा रखें, मानसिक तनाव से बचाएं, जिससे सबसे पहले तो हम कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की जो प्रक्रिया है या ब्लड क्लॉटिंग होने की जो प्रक्रिया है उसको रोकें या धीरे करें। दूसरा, हार्ट अटैक आने के बाद में जब आपको अंदेशा आता है कि ये मुझे प्रॉब्लम है और ये पॉसिबल है कि हार्ट अटैक हो सकता है, या मेरा दोस्त है जो ऑफिस में मेरे साथ काम कर रहा है उसको हार्ट अटैक हो सकता है, तो जो टैबलेट्स मैंने बताई वो उन्हें दें और जल्द से जल्द उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करें और ज़रूरत के हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट लें। जैसा कि मैं बता रहा था कि माइनर और मेजर अटैक है, जब हम माइनर अटैक के समय पेशेंट के रिलेटिव को बताते हैं कि भाई ये माइनर अटैक है और इस समय इसका एंजियोग्राफी करना है, एंजियोप्लास्टी बाईपास की ज़रूरत है, तो उसे लगता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जिस समय मेजर अटैक आ जाता है और हम बताते हैं कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करना है या बाईपास करना है, तो मरीज को ऐसा लगता है कि हम भगवान हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। एक्चुअल जो बेस एडवांस ट्रीटमेंट है वो यदि हमने हार्ट अटैक आने की पहली स्टेज पे किया तो मरीज को फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसमें हार्ट के मसल्स डैमेज नहीं होंगे। अच्छा। और हार्ट की बीटिंग इरेगुलर होकर डेथ होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो अर्ली ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, ये दो हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु को बचने बचा सकते हैं। है। ये जो आपने एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी बताया है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी बताएं। अभी जब हार्ट की रक्तवाहिनियों में रुकावट आती है तो उसे कम कैसा किया जाए, या इनडायरेक्टली मैं ये चाहूंगा कि भाई हार्ट अटैक आया है, हार्ट की रक्तवाहिनी में 90% ब्लॉकेज है, अब इसको मरीज को तकलीफ कम से कम कैसा हो, मरीज को चलते समय दम नहीं लगना चाहिए, मरीज को चलते समय छाती में दर्द नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करें। अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक है हम डिमांड कम कर दें, दूसरा है सप्लाई बढ़ा दें। अच्छा। अभी डिमांड कम कैसा करेंगे, भाई आपको हार्ट अटैक आया है, आज से ये खटिया, ये आपका डाइनिंग टेबल है, ये टीवी रूम है, यहाँ से बाहर नहीं जाना है। अच्छा। डिमांड कम हो गई, भागदौड़ नहीं करना है, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना नहीं है, आपकी डिमांड कम होगी। सबसे पहला डिमांड कम की जाए, दैट मींस आराम करना, आराम करना। लेकिन आज के भागदौड़ की जिंदगी में कितने लोग आराम कर पाएंगे, बिल्कुल आराम नहीं कर पाएंगे। यदि आराम नहीं कर पाएंगे तो अभी दूसरा तरीका क्या है, सप्लाई बढ़ाया जाए। अच्छा, बिल्कुल। सप्लाई कैसा बढ़ाएंगे, अब यहाँ तो 99% रुकावट है। अब सप्लाई बढ़ाने के लिए एक है कि वो रुकावट को मैं बलून डालूं, बलून डाल के वो रुकावट को ओपन करूं। okay. और ओपन करके वो आगे का फ्लो बढ़ा दे। दूसरा तरीका है, जहाँ पे ब्लॉकेज आ गए हैं वो ब्लॉकेज इस तरीके से है कि उसको बलून से ओपन नहीं किया जा सकता, तो मैं एक नॉर्मल से नॉर्मल पैसेज बना देता हूँ। इस जगह पे ब्लॉकेज है, यहाँ से एक चैनल उसके सामने कनेक्ट कर देते हैं, जिसे हम बाईपास रोड जैसा, सिटी का ट्रैफिक बाईपास करने के लिए बाईपास रोड बने, तो वैसा ही जहाँ पे ब्लॉकेज आ गया उसको बाईपास करने के लिए एक बाईपास कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बाईपास सर्जरी है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी होने के बाद भी हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। अभी एंजियोप्लास्टी और बाईपास होने के बाद में रिस्क कम हो जाती है, लेकिन यदि आप मुझसे कहें कि भाई आज तो मैंने एंजियोप्लास्टी कर ली और जिंदगी भर के लिए अभी सर्टिफिकेट मिल गया है, ऐसा नहीं है। आज यदि हमने हमारी घड़ी सुधारी तो कल हमारी घड़ी खराब नहीं होगी, इसकी गारंटी नहीं है। अच्छा, दैट मींस बाईपास सर्जरी या फिर एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी हार्ट अटैक आ सकता है। अच्छा, एक बार अगर बाईपास सर्जरी हो गई है तो कितने बार हम बाद में कर सकते हैं? दोबारा बाईपास फिर से करना पॉसिबल होता है। आज पहले जब एंजियोप्लास्टी की टेक्निक अवेलेबल नहीं थी तो दोबारा बाईपास के बहुत सारे केसेस हम देखते थे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि बहुत बार यदि पहली बार बाईपास हुआ है तो दूसरी बार एंजियोप्लास्टी, या पहली बार एंजियोप्लास्टी हुआ है तो दूसरी बार बाईपास पॉसिबल है। एक कॉमन लाइफ का मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, गाड़ी का दाहिना चक्का पंचर हुआ, गाड़ी का दाहिना चक्का हमने पंचर बनवाया, पंचर बनवाने के बाद में उसमें अच्छे से हवा भराई, अच्छे रोड पे चलाया, दोबारा पंचर होने के चांसेस कम है। उसमें मैंने कम हवा भरवाई और गिट्टी वाले रोड पे चलाया, दोबारा पंचर होने के चांसेस ज़्यादा है। समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यदि हार्ट अटैक आने के बाद मैंने एंजियोप्लास्टी करा ली है, एंजियोप्लास्टी कराने के बाद मैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को अच्छे से कंट्रोल में रखता हूँ, डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन अच्छे से लेता हूँ, खाने पीने का ध्यान रखता हूँ, रेगुलर व्यायाम करता हूँ, तो फिर से प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन मैंने इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया, यार डायबिटीज़ का इंजेक्शन मैंने ही क्यों लेना, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन मैंने ही क्यों लेना, कोई मैंने ही ठेका लेके रखा है क्या ये मेडिसिन खरीदने का, तंबाकू खाए बगैर तो पेट ही साफ नहीं होता, दिमाग ही नहीं चलता। यदि आपने ये सोचा और मेडिसिन बराबर नहीं ली, खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, तो दोबारा प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दोस्तों, चर्चा इसी तरह जारी रहेंगी, यहाँ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। एक
आने ही नहीं देना. अनफॉर्चुनेटली यदि आ गया है तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट करना कि हार्ट के मसल्स का डैमेज कम से कम हो, जिसमें थ्रोम्बोलिसिस, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जरूरत के हिसाब से रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करें कि हार्ट के मसल्स के डैमेज को हम कम से कम कर सकें. उसके बाद भी यदि ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है. सर मुझे ये बताइए कि हार्ट अटैक आने के बाद हमारा हार्ट कमज़ोर हो जाता है, तो उसके बाद हम किस तरह से ख्याल रखें अपने हार्ट का? देखिए यदि सबसे पहले तो हमने हार्ट अटैक आने ही नहीं देना. अनफॉर्चुनेटली यदि आ गया है तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट करना कि हार्ट के मसल्स का डैमेज कम से कम हो, जिसमें थ्रोम्बोलिसिस, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जरूरत के हिसाब से रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करें कि हार्ट के मसल्स के डैमेज को हम कम से कम कर सकें. उसके बाद भी यदि हार्ट के मसल्स डैमेज हो चुके हैं तो कुछ दवाइयां उपलब्ध हैं. ये दवाइयों में अलग अलग ग्रुप की दवाइयां हैं, जैसे हम डायूरेटिक्स, एसी इनहिबिटर, एआरबी, बीटा ब्लॉकर, आइनोट्रॉपिक एजेंट्स, इन नामों से जानते हैं. ये मेडिसिन का उपयोग करके हार्ट की पंपिंग को हम कंट्रोल में ला सकते हैं. अभी हार्ट की पंपिंग यदि नॉर्मल 60-65 होनी चाहिए, वो कम होकर 40 हो गई है, तो मैं उसे वापस 65 नहीं कर सकता. लेकिन एटलीस्ट इतना कर सकता हूँ कि 40% पंपिंग रहते हुए भी मरीज को रोज के काम करते समय तकलीफ नहीं हो. इसमें इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन होती है, डायूरेटिक ग्रुप के ड्रग्स होते हैं, जिससे यूरिन ज़्यादा होके हार्ट पे जो प्रेशर आ रहा है वो कम होता है, लंग्स का कंजेशन कम होता है और मरीज की चलने की कैपेसिटी बढ़ती है. लेकिन इन दवाइयों में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं. इन दवाइयों में जो मेन साइड इफ़ेक्ट है, ये बॉडी से सोडियम और पोटेशियम को कम कर देता है, जिसके कारण मरीज को कमजोरी लगती है, थकावट आती है. कभी कभी उसके कारण, पोटेशियम कम होने के कारण, हार्ट की बीटिंग इरेगुलर होकर सडन डेथ होने की रिस्क भी होती है. इसको काउंटर कैसा किया जाए? इसको काउंटर करने के लिए डॉक्टर्स ने, साइंटिफिक कम्युनिटी ने कुछ नए मेडिसिन का इजाद किया. इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं एसी इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर ग्रुप के ड्रग्स. एसी इनहिबिटर ग्रुप के जो ड्रग्स हैं, ये हार्ट पे प्रेशर लोड को कम करता है और प्रेशर लोड को कम करके हार्ट को अच्छे से काम करने में मदद करता है. बीटा ब्लॉकर के ग्रुप, एक ट्रेडिशनल, जब हम लोग MBBS करते थे तो हमें पढ़ाया जाता था कि हार्ट फेलियर के पेशेंट को बीटा ब्लॉकर नहीं देना है, बीटा ब्लॉकर ग्रुप के मेडिसिन नहीं देना. लेकिन धीरे धीरे कंसेप्ट चेंज होने लगे और ये पाया गया कि जब हम हार्ट अटैक के पेशेंट को कम डोज में बीटा ब्लॉकर ग्रुप का ड्रग देते हैं, तो हार्ट फेलियर के कारण जो बॉडी पे एड्रेनर्जिक सिस्टम के कारण साइड इफेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, वो कंट्रोल में आने लगते हैं और लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट मिलता है. तो अभी के सिचुएशन में हार्ट फेलियर के सभी पेशेंट में बीटा ब्लॉकर ग्रुप के ड्रग यूज़ किए जाते हैं, जिससे हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है और मरीज की काम करने की कैपेसिटी इंप्रूव होती है, और साथ ही सडन कार्डियक डेथ यानी हार्ट की बीटिंग इरेगुलर होने के कारण जो मृत्यु का रिस्क है वो कम होता है. ये बेसिक ट्रीटमेंट एसी इनहिबिटर, एआरबी, डायूरेटिक, बीटा ब्लॉकर. इसके साथ में एक टाइम टेस्टेड मेडिसिन है जो लेनोक्सिन ग्रुप का ड्रग है. लेनोक्सिन ग्रुप का जो ड्रग है, डिगोक्सिन ग्रुप के जो ड्रग है, ये हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटी है इसको मार्जिनली बढ़ाते हैं और इससे मदद मिलती है. इसके बाद में कुछ एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जिसमें बायोवेंट्रिकुलर पेसमेकर. नॉर्मल जो हम पेसमेकर डालते हैं उसमें एक या दो वायर होते हैं, लेकिन इसमें 3 वायर डाल के हार्ट की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट किया जाता है और हार्ट की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करके हार्ट की पंपिंग जो है इफेक्टिवली 5-7% बढ़ाई जा सकती है. एग्जैक्टली देखिए, जैसा एक हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जैसे हमारे घर में पाइपलाइन होती है ना, एक लाइन होती है पानी के पाइप की, एक इलेक्ट्रिक की लाइन होती है, तो वैसे हमारे हार्ट के अंदर भी 2 प्रकार की लाइनें हैं. एक इलेक्ट्रिक की लाइन है जो हार्ट में करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है. अच्छा. दूसरी लाइन है ब्लड सप्लाई की, जिसे हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं. तो ये दोनों अलग अलग सिस्टम है. तो जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसका कोऑर्डिनेशन बेटर किया जाए, जिसे हम रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी करते हैं कहते हैं. री मतलब फिर से, सिंक्रोनाइजेशन मतलब जो पहले सिंक्रोनाइज था, हार्ट अटैक के कारण गड़बड़ हो गया, उसे वापस लाइन पे लाया जाए. रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, इसमें हार्ट में 3 वायर डाले जाते हैं, एक राइट एट्रियम में, एक राइट वेंट्रिकल में और एक लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे. और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो एक्टिविटी है उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है. तो इससे हार्ट की इफेक्टिव पंपिंग एक्टिविटी कम होती है, हार्ट के वॉल का लीकेज कम होता है और मरीज
के हार्ट की काम करने की शक्ति बढ़ती है, जिससे मरीज का दम घबराहट जो रहती है वो कम होती है। लेकिन ये टाइप हर पेशेंट में इसका बेनिफिट नहीं होता है, उसके कुछ सिलेक्टेड पेशेंट हैं जिसमें बेनिफिट होता है। तो जिस समय मरीज को हम इवेल्युएट करते हैं उस समय मरीज का ECG, इकोकार्डियोग्राफी, ब्लड टेस्ट के द्वारा पता करते हैं कि हमारे मरीज को इतनी महंगी थेरेपी देने का बेनिफिट है या नहीं है। एंड लास्ट ट्रीटमेंट इज हार्ट ट्रांसप्लांट। लास्ट की भाई अब कुछ भी नहीं, हार्ट इतना ख़राब हो गया है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो कुछ एक्सीडेंट्स के जो केसेस रहते हैं जहाँ पे मरीज का ब्रेन डैमेज हो गया है लेकिन शरीर के बाकी अवयव काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, लेकिन ब्रेन डेड हो गया है, ऐसे केसेस में मरीज के परिवारों की सहमति लेकर, परिवारों के सदस्यों की सहमति लेकर मरीज का हार्ट वहाँ से निकाला जाता है। और ऐसे मरीज जिनके हार्ट कमजोर हो गए हैं उसमें प्रत्यारोपित किया जाता है, जिसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ये कितना परसेंटेज सक्सेसफुल होता है? ये सक्सेसफुल होता है लेकिन इंडिया में सिस्टम नहीं है उसका प्रॉपर, जो टेक्नोलॉजी है जो प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं है। इंडिया में गिन के शायद 5 या 7 सेंटर्स हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं। बीच में अपने चेन्नई का एक न्यूज़ दिखाया था जिसमें इस प्रकार से हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल हार्ट निकाल के लेके गया, उसमें स्पेशल प्रिजर्वेटिव से पूरे एम्बुलेंस के लिए पूरे पैसेज को ब्लॉक करके क्लियर करके 45 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे और मरीज जो ब्रेन डेड पेशेंट था उसका हार्ट, लीवर, किडनी ये तीनों ऑर्गन्स यूज़ करके कुछ मरीजों को नई जिंदगी दी गई। ये ट्रांसप्लांट होने के बाद कितने दिन तक मरीज अच्छे से जी पाता है? एग्जैक्ट ऐसा बोलना मुश्किल है लेकिन ट्रांसप्लांट होने के बाद में वो ट्रांसप्लांटेड हार्ट बॉडी ने रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, इस फॉरेन बॉडी विच इज फॉरेन टिश्यू विच इज कमिंग इन, तो वो रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए वो करने के पहले ब्लड ग्रुप और बाकी टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद भी साइक्लोस्पोरिन और इस टाइप के जो मेडिसिन है जो रिजेक्शन को प्रिवेंट करते हैं उस टाइप के मेडिसिन देने होते हैं। ये मरीजों की लाइफ नॉर्मल नहीं हो जाती लेकिन नियर नॉर्मल लाइफ इनकी आ जाती है। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जाते जाते मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि हरी वरी करी, ये 3 चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें। बहुत ज़्यादा जिंदगी में गड़बड़ नहीं हो, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं हो, बहुत ज़्यादा तेल घी की चीज़ें खाने को कम से कम रखें, रेगुलर व्यायाम अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और साथ ही तंबाकू, सिगरेट इस प्रकार की चीज़ों से अपने आप को बचाएं कि आप अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रमोद मुंद्रा जी, जो आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर, जो आप हमारे स्टूडियो में आए और हमको इतनी अच्छी थैंक यू सो मच डॉक्टर, जो आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर प्रमोद कुंद्रा जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं। टेक केयर, हेल्थ इज़ वेल्थ, इस कार्यक्रम में हम मिलवाते हैं आपको एक्सपर्ट्स डॉक्टर से, जहां हम करते हैं चर्चा बीमारियों पर और जानते हैं उसके समाधान। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगी आपसे किसी और एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।